हेलो दोस्तों, राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोई बाइक रिलेटेड न्यूज़ या अपडेट आप सभी को नहीं देने वाला हूँ, इसके लिए सॉरी। बट अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको, अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, आप सब्सक्राइब भी किए हैं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला, क्योंकि अब आपको इस मेरे चैनल पर अच्छे क्वालिटी की वीडियो देखने को मिलने वाली है। पहले जो मैं शूट करता था वो फ़ोन से शूट करता था, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ GoPro 10 के बारे में, जो कि मेरे पास आ चुका है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी बाइकर होते हैं उनका एक ड्रीम होता है कि उसके पास GoPro एक्शन कैमरा हो, और मेरा जो GoPro 10 लेने का रीज़न है उसके पीछे जो छोटा सा एक स्टोरी है वो बता देता हूँ। जब GoPro 8 था उस टाइम मेरा ड्रीम कैमरा वही था एक्शन कैमरा के मामले में, कि मुझे GoPro 8 लेना है, क्योंकि उस टाइम वही टॉप मॉडल का कैमरा हुआ करता था, लगभग दो ढाई साल पहले की। उसके बाद जब बजट, उस टाइम तो बजट नहीं हो पाया, पैसे वगैरह का दिक्कत था, पैसा वगैरह नहीं हो पाया और ज़्यादा कुछ आइडिया भी नहीं था इन सभी के मामले में। उसके बाद GoPro 9 आया तो उस टाइम तक भी पैसा नहीं हो पाया, और उसके बाद फिर मैंने YouTube पे सर्च किया और काफ़ी जगह पे मैंने सर्च किया तो पता चला कि GoPro जो है हर एक साल अपनी जो GoPro की जो प्रोडक्ट है GoPro एक्शन कैमरा, उसमें नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करती है। GoPro 7 भी एक साल जब लॉन्च हुई थी उसके एक साल बाद GoPro 8, GoPro 8 के एक साल बाद GoPro 9, GoPro 9 के बाद GoPro 10। तो अब हमारे पास आ चुका है GoPro 10। तो एक बाइकर का सपना होता है जो कि GoPro 10, मतलब GoPro लेने का कोई भी एक्शन कैमरा का। तो अब आपके भाई के पास आ चुका है GoPro 10 ब्लैक, जिसको बोलते हैं GoPro हीरो 10 ब्लैक। तो इसका भी अनबॉक्सिंग करने वाले, बट उससे पहले मैं बता दूं कि फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, तो जब मैंने डिलीवरी लिया था उसको तुरंत खोलने, मतलब लेने के बाद तुरंत मैंने इसको ओपन भी किया था, क्योंकि होता है ना कि जब पैसा लगता है तो यार उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो भी पता चलना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग मैंने किया है, बट उस टाइम कुछ बोला नहीं है, तो वो सारा चीज़ क्लिप भी आप देख लीजिएगा। तो बट फिर भी एक मोटा छोटा आपको हिसाब बता दूँ, इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और क्या कुछ है उस वो भी दिखाने वाले हैं, कहाँ से मैंने लिया, कितने का पड़ा, वो भी मैं आपको बता दूँगा। बाकी स्क्रीन पे आपको, अगर स्क्रीन शॉट जो बिल है वो अमाउंट आपको बता देता हूँ। तो एक्साइटमेंट भी था कि भाई क्या है, कैसा है, देखना है। तो ये जो मैंने लिया था, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये डिज़ाइन इन्फो एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने लिया था। अभी आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट या इंडिया में ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, तो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। दो तीन साइट है जहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है, बट काफ़ी जगह पे, मतलब एक होता है विश्वास वाली बात, वो चीज़ें मुझे नहीं नज़र आई जो कि डिज़ाइन इन्फो है, वहाँ से मुझे लगा कि हाँ ये लोग जो है वो सही चीज़ें दे सकते हैं, और वहीं से मैंने परचेज़ किया। काफ़ी चीज़ें भी परचेज़ मैंने किया है, तो इसी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो इस सबसे पहले बता दूँ, जो डिज़ाइन इन्फो से मैंने ये चीज़ें लिया है, तो इसमें जो है जो इनका पैकेजिंग था भाई, मस्त लेवल का इन्होंने पैक किया था, मतलब तीन चार लेयर का पैकिंग। मैं तो खोलते खोलते मुझे 10-15 मिनट लग गया है, कहाँ से खोलूँ, कैसे खोलूँ, फाड़ने पे भी काटने पे भी नहीं खुल रहा था, एक खोल रहा था तो उसके नीचे भी हो रहे। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए अब इधर आते हैं। तो ये देखिए, ये GoPro 10 है, होलोग्राम मार्क नहीं मिलता है और भी वारंटी कार्ड नहीं मिलता है। आगे आपको बताता हूँ क्या कुछ है। बाकी इसमें अगर आप इधर देखेंगे तो ये सारा कुछ आपको इस तरह से बॉक्स देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी प्लास्टिक था, वो मैंने खोल दिया है, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से है। तो अभी आप क्लोजअप में, अभी इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहले हाइपर स्मूथ 4.0 देखने को मिलता है, जो कि GoPro 10 में 9 में 3.0 रहता था हाइपर स्मूथ। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 23 मेगा पिक्सल, और यहाँ पे 5.3K 60fps पे और 4K 120fps पे आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 33 फीट मतलब 10 मीटर तक वाटरप्रूफ है, और GP2 प्रोसेसर, जो कि इसमें यही खासियत है, GP2 प्रोसेसर न्यू एड किया गया है। GP1 प्रोसेसर जो है वो आपको 9 तक में देखने को मिलता था, GoPro 6 से लेकर GoPro 9 तक, जो लगभग 2017 का मॉडल था, 2017 से लेकर अभी तक आपको GP1 देखने को मिलता था। GP1 से थोड़ा सा इसमें GP2 जो चीप प्रोसेसर है उसको इंक्रीज़ किया गया है, मतलब यहाँ पे डेवलप किया गया है, जिससे जो GoPro एक्शन कैमरा है वो थोड़ा सा स्मूथ और फास्ट चलेगा, जैसा कि फ़ोन में होता है। 1GB रैम और 8GB रैम में फ़ोन में जो कि है आपको फ़र्क पता चल जाएगा, स्मूथ जो चलता है, ठीक यही काम आपको GoPro एक्शन कैमरा में भी देखने को मिलता है GP2 प्रोसेसर के साथ। तो इसमें GoPro 10 में यही नया चीज़ एक खास है जो कि ऐड किया गया है यहाँ पे। बाकी आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, 23 मेगापिक्सल का कैमरा है, बाकी ये सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं।
ये सब कुछ है। मेन चलते हैं कहाँ पे क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पे अपलोड है बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिसके लिए गोप्रो चार्ज भी करती है, तो ये तो फ्री में आपको नहीं होगा। बट उससे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको जो गोप्रो का एक ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। क्विक फ्री का ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। एक्शन कैमरा हो जाता है, बैटरी हो जाता है, एक स्क्रू हो जाता है नट, और यहाँ पे कुछ माउंट हो जाते हैं, ये चार्जिंग केबल और ये एक बॉक्स। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे गोप्रो सीधा में, तो ठीक इसके नीचे में हम इस साइड में आते तो यहाँ पे एक सील पैक रहता है, इसको फाड़ना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले ओपन किया था, तो ये जो स्टिकर है वो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ये कट जैसा साइन है, तो यहाँ से ये निकालना पड़ता है, इस तरह करके आपको खींचना पड़ता है, ये खुल जाएगा। तो इसको खोलने के बाद ऐसे आपको बॉक्स को निकाल लेना है, यहाँ से भी थोड़ा सा दिखाई देता है, थोड़ा सा पुश करेंगे ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इसको अभी हम यहाँ पे रख देते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉस है, जो कि देखने में भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है, और है भी रफ़ एंड टफ है, उतना भी नहीं है बट ज़्यादा दबाव नहीं, बट हल्का फुल्का से कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली। तो इसको अभी करते हैं अनबॉक्स। और सबसे पहले मैं बता दूँ, ये पूरा मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर जैसा तो अनबॉक्स करने नहीं आता, पहली बार कर रहा हूँ, तो आप काम चला लीजिएगा, ठीक है। फिर भी एक अपडेट देने के लिए करता हूँ। तो बॉक्स खुलता ही टन टन। और सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे ये सारा कुछ मैं यूज करने के बाद फिर से इसमें लगाया हूँ, तो बता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि कैसे क्या होगा, इसलिए मैंने सारा कुछ पहले यूज कर लिया, उसके बाद मैं आप सभी को बता रहा हूँ कैसे क्या कुछ है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोडक्ट क्वेश्चन, इसमें आपको इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश का है, और इधर में आपको आधा से चाइनीज़ का देखने को मिलता है, चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो ये तो कोई काम करने कौन पढ़ता है, इतना इतना फालतू ना कागज़ बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, इसको कोई नहीं पढ़ता। साथ ही यहाँ पे दो तीन स्टिकर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे लाइन भी खींचा होगा छोटा छोटा, एक दो तीन, ये तीन स्टिकर गोप्रो के देखने को मिल जाते हैं। आप कहीं भी लगा सकते हैं, हेलमेट में, बाइक में, कहीं भी। बाकी यहाँ पर दिखाया जा गया है कैसे माउंट होगा, कैमरा के नीचे से माउंट निकलेगा, ये माउंट लगाना है, इसको स्क्रू से टाइट करना है, हेलमेट में लगाना, ये सारा कुछ। इस साइड में आपको ये स्कैन करेंगे तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, क्विक का, ठीक है। ये सारा कुछ हो जाता है, कैसे क्या कुछ है। तो ये तो आदमी आएगा तो जिसके पास आएगा वो तो प्रैक्टिकल कर देगा, कोड लिखता है, ठीक है। उसके बाद इसमें मिल जाता है एक टाइप सी का चार्जिंग केबल, जिसको आप चार्ज कर सकते हैं। और इसके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने इसको ट्राई किया था, ठीक है, इसको अभी रखते हैं। साथ ही यहाँ पे एक माउंट मिल जाता है, ये इस तरह से करने से ओपन हो जाता है, और इस पे आप माउंट कर सकते हैं, और ये इस तरह से करने से लॉक हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है। और ये जब जाएगा, ये जब तक लॉक नहीं होगा, जैसे ये यहाँ से आप इस तरह से इसको इन किए और ये लॉक नहीं होगा, यानी आपका ये सही से नहीं लगा है, तो आपको इस साइड से और पुश करना होगा और ये ऐसे करके लगाना होगा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। साथ ही एक बैटरी मिलता है, बैटरी के ऊपर भी कवर था, मैंने प्लास्टिक वाला कवर था, ये सारा कुछ हटा दिया है, वायर भी बांधा हुआ था फिर से मैंने बांधा है। और एक स्क्रू आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ये स्क्रू देखने को मिल जाता है। साथ ही अब ये बॉक्स मिलता है, इसको भी आप हटा सकते हैं, बाकी इस तरह से बॉक्स मिलता है। तो कैमरा निकालते हैं, कैमरा निकालेंगे तो यहाँ पर आपको एक कागज़ में टाइप का ये इस तरीके से देखने को मिलता है। भाई रात दिन देखता था, वीडियो बहुत देखता था, आज हाथ में आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सबसे पहले कागज़ को हटाता हूँ। और मैं बता दूँ, इंडिया में जो है आप चौथे नंबर पे मैं होगा, 4 से 5 नंबर पे हूँ, जिसके पास गोप्रो 10 है। यूट्यूब के माध्यम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो 3 से 4 बंदे ही आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास गोप्रो 10 है। तो समझ लीजिए 4 से 5वें नंबर पर मैं इंडिया में हूँ जिसके पास गोप्रो 10 है। और उनमें भी कई लोगों, जो 4-5 लोग हैं उनमें भी कई लोगों ने कहीं दुबई से कोई मंगाया है, तो किसी ने कहीं से कुछ किया है, तो उस तरीके से। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक स्टिकर मिलता है, यहाँ भी मतलब एक कवर टाइप का मिल जाता है कि जिससे लेंस और यहाँ पे स्क्रैच ना आए। यहाँ पे गोप्रो ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा उठा हुआ टाइप का है, जो कि गोप्रो 9 तक में आपको ये चीज़ नहीं मिलता था, ब्लू कलर तो मिलता ही नहीं था। गोप्रो लिखा हुआ रहता था बट 3D टाइप में नहीं रहता था, मतलब 3D मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा ऊपर टाइप का वो प्रिंट किया हुआ रहता था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 ब्लैक लिखा हुआ है। तो और फ्रंट में आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने पहले यहाँ जो प्लास्टिक हुआ करता था
वो हटा दिया है। तो जहाँ पे लिखा रहता था सबसे पहले आपको क्विक डाउनलोड करना है ऐप, उसको बाद आपको ये यूज करने से पहले अपडेट करना होगा। अपडेट करने से पहले भी मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप अपने जो GoPro है उसको आप फुल चार्ज कर लें, क्योंकि इसमें बैटरी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और आगे और भी कुछ है जो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं ये चीज़, आप यहाँ से हो जाता है ये ओपन करने के लिए, जिसमें आप माउंट कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीकर देखने को मिलता है, यहाँ से ही साउंड आता है, यहाँ से शायद साउंड रिकॉर्डिंग होता है। यहाँ से मुझे अभी तक आवाज़ सुनाई नहीं दिया, मैंने यहीं से देखा है कि आवाज़ यहीं दोनों जगह से आया हुआ है। तो इसको रखते हैं इस तरह से। और तो सबसे पहले आप छोटा सा क्लिप देख लीजिए, आपको अपडेट करना होगा ये, तो उससे पहले बैटरी चार्ज करना होगा। और बैटरी चार्ज करने से पहले मैं बता दूँ आप के आपको जो ये केबल मिला है इसी से चार्ज कीजिए, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि मैंने एक ये 3-in-1 एक केबल लिया था, चार्जिंग केबल, जो कि एक 3 एम्पियर वाला है जो फास्ट चार्ज करता है, जिसमें मतलब बोले तो एक में ही आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ये आपका चार्जर में लग जाता है, ये चार्जर में लग जाएगा और ये चार्जर में लग जाता है। और यहाँ पे 3 पॉइंट मिलते हैं, मतलब ये 3 केबल मिलते हैं, एक आईफोन के लिए, एक टाइप सी और एक नॉर्मल के लिए। तो मैंने इसलिए सोचा कि इसमें भी टाइप सी है तो ये वायर जो है काफ़ी लंबा है, तो इसी से चार्ज मैं करता हूँ GoPro को। तो फर्स्ट टाइम ही मैंने ये यूज़ नहीं किया, और मैंने ये यूज़ किया था GoPro 10 को चार्ज करने के लिए। तो भाई 2 मिनट में ये फुल मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो मेरा कहना यही है कि आप जो अलग से जो केबल मिलता है आफ्टर मार्केट वो यूज़ ना करें तो बेहतर ही हो। ये मैंने 150 के आसपास में लिया था, तो ये आप यूज़ ना करें। और इसको जो है यूज़ करने आफ्टर मार्केट जो है वो मैंने परचेज़ किया, तो उसको यूज़ करने का फ़ायदा मतलब इसलिए यूज़ करना चाहता था क्योंकि इसका वायर लंबा है, और इसका अगर आप देखते हैं तो वायर छोटा है, तो इसी वजह से मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो जो कि अगर बोर्ड मेरा ऊँचा है तो फिर भाई चार्ज करने में दिक्कत होता है। ये छोटा सा वायर है, लगभग कितना 1-2.5 बित्ते का ये चार्जर केबल है, तो आप इसी से ही चार्ज करें। तो इसको अपडेट कर लेना है, उसके बाद आपको फ़ोन पे ही सारा कुछ होगा, फ़ोन पे अपडेट करके कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चार्ज आप जब भी करना है तो उससे पहले बता दूँ चार्ज कैसे करना है। अगर आप देखेंगे GoPro लिखा हुआ है और यहाँ पे एक इस तरह कैसे है, तो इसको आपको खींचना है और उठा के इसे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद ये खुल भी जाता है, अभी इसका खोलने का कोई काम नहीं है। और अगर आप देखें इसके अंदर, तो ये जो है जो आप देखेंगे GoPro जो है ये नीचे साइड में होना चाहिए, और अगर आप देखें यहाँ पे लेंस है, ठीक है। लेंस साइड में ये जो बैटरी कटा हुआ है इस टाइप से आपको लगाना है, सीधा आपने पकड़ा है इसको इस साइड से लगाइए और इसको डाल दीजिए। और एक चीज़, आप चार्ज करने के बाद आपको मेमोरी कार्ड भी इसमें इंसर्ट करना होगा, तभी जाके ये आप इसको अपडेट कर पाएंगे, चला पाएंगे, नहीं तो ऑन करते ही आपको इसमें SD कार्ड भी मांगता है। तो SD कार्ड के लिए मैं बता दूं, SD कार्ड मैंने दूसरे जगह से लिया था, मतलब दूसरे वेबसाइट से, और इसमें मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ वो भी बता दूँ। मैं इसमें 256 GB का सैंडिक्स का यूज कर रहा हूँ, और ये भी जो है लगभग मैंने काफ़ी अच्छा मेमोरी कार्ड लिया है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कौन सा मैंने लिया है, कितने का लिया है। तो इसमें फ़िलहाल के लिए आप जान लीजिए कि 256 GB का मेमोरी कार्ड लगा है, इसमें भी काफ़ी क्वालिटी होता है, तो फ़िलहाल मैंने वही लगाया है। चार्ज करने के बाद फिर आपको ये ऐसे करना है, थोड़ा सा इसको आगे खींचना है और ऐसे लॉक कर देना है, ठीक है। ये हो गया, अब ऑन करने के लिए आपको मोड दबाना है। अगर आप ये दबाएंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है, तो मैं मोड दबा के रखता हूँ, ये ब्लिंक करेगा और यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया है, तो इस तरीके से कुछ इसमें देखने को मिलता है। तो अगर वारंटी की बात करें तो इसमें ना तो आपको वारंटी कार्ड मिला और ना ही होलोग्राम मिला,
क्योंकि ये देखिए होलोग्राम का भी कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इंडिया में इसका कोई सर्विस सेंटर है नहीं। आई थिंक एक बेंगलुरु में है जो कि टाई अप है, तो भाई ये पूरे इंडिया में एक ही जगह है शायद, मैंने सुना है, देखा नहीं है अभी तक, ज़्यादा पता भी नहीं। होलोग्राम नहीं है, वारंटी कार्ड नहीं है, बट इसके जो सीरियल नंबर होता है, आप सीरियल नंबर से गोप्रो को वेबसाइट पर जाके वो सीरियल नंबर इंटर कीजिए, रियल प्रोडक्ट है तो वहाँ पर वो इंटर हो जाता है, अगर फेक प्रोडक्ट है तो वो इंटर नहीं होगा। तो ये मेरा जो है ये रियल है, तभी जाके मैंने इसको अपडेट किया, तो वो वहाँ पे सीरियल नंबर से ये चीज़ें अपडेट हो गया है, तो थोड़ा संतुष्टि मिलता है भाई कि इतने का है। अब वही इसके प्राइसिंग की बात करें तो मुझे ये लगभग 55,000 के आसपास में पड़ा है, 54,634 के आसपास कुछ है। डिजाइन इन्फो से मैंने मंगवाया, जो कि भाई गजब की वेबसाइट है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वेबसाइट के खासियत भी मैं आपको थोड़े मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैंने यहीं से क्यों परचेज़ किया और क्या कुछ है वो सारा कुछ बताऊंगा। तो फिलहाल अभी जो है कि आप देख सकते हैं, और ये मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं। तो और बाकी लोकेशन अगर आप देखें तो लोकेशन के बारे में भी मैं कुछ बताऊंगा कि ऐसा लोकेशन और मतलब कहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कैसे क्या कुछ है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं, तो ये है इसका अनबॉक्सिंग, मतलब ये सारा चीज़ें मिलता है। अपडेट भी करना होगा आपको, उसके बाद सारा सेटिंग आपको करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर आप इसको एक बार टच करते हैं ऊपर वाला, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं सेकंड चलना स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और इसी को टच करेंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है। तो और इसको अगर आप ऊपर करेंगे तो यहाँ से आप अपना रिकॉर्ड जो भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से ही ऑप्शन मिल जाता है डिलीट करने का, तो ये हो गया। बाकी अगर यहाँ आप मोड दबाएंगे तो मोड से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं फ़ोटो, टाइम स्लिप और वीडियो। बाकी काफ़ी सारा अभी सेटिंग इसमें है जो कि आपको भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी मैंने इसको ट्राई किया पहले क्या कुछ है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो मैं डायरेक्ट कैसे बता दूँ वीडियो बनाने टाइम, इसलिए मैंने पहले देखा क्या कुछ है, तभी तो मैं आपको रियल चीज़ बता पाऊँगा। तो ये है, बाकी ऑफ करना होगा तो आपको मोड दबा के ही रखना होगा कुछ टाइम, और उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो स्टिकर है मतलब ये गार्ड मिला हुआ है, इसको भी हटा सकते हैं। बाकी इसका जो है और भी मैं इसका एक्सेसरीज मंगवाया है, उसका भी वीडियो अलग बना दूंगा, तो इस तरीके से इसको हटा सकते हैं और यहाँ से भी इसको हटा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ये देखने में लगता है। तो बाकी प्रीमियम क्वालिटी है भाई, और क्या बताएं, तो आप मुझे बताएं कि और इसके बारे में क्या, काफ़ी सारा वीडियो है जो कि अब आपको इसी के रिलेटेड में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने इंडिया का मैं पहला ऐसा होगा, बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंडिया का, बट याद रखिएगा इंडिया पे पहला मैं ऐसा बंदा होगा जिसके पास, नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। चलिए तो आप मुझे वीडियो बताइए कि क्या कुछ रह गया है, प्रॉपर तो अनबॉक्सिंग नहीं आता, कुछ रह गया होगा तो उसके लिए सॉरी, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में अपडेट के साथ, नए अपडेट के साथ, नया वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राइड विथ बाइक। तो अभी इसको करते हैं हम ऑफ, 100% चार्ज था, 2 से 3 मिनट हुआ, 99% आ गया है। मोड दबाया और ये ऑफ होना स्टार्ट हो गया, ऑफ हो गया।